मैं लेकर आई हूँ हीना खान का इंस्पायर्ड मेकअप लुक लाइक टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस चीज़ के ऊपर है तो फिर भी मैंने एक फॉर जैनल बता दिया ठीक है और अगर आप मेरे चैनल ऊपर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना उसके बाद जो मुझे बेल आइकन से जरूर हिट कर देना ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पूरा ट्यूटोरियल देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और वो ये सब तो मैंने बता दिया आप सबको कर लेना है अच्छे से तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट मेकअप स्टार्ट करूँगी मैं स्किन प्रेप से तो सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ टोनर एंड दिस इज गुड वाइफ्स का ग्रीन टी टोनर उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर प्राइमर के लिए एलोवेरा पतंजलि जेल लिया है पतंजलि जेल बहुत ही अच्छा प्राइमर का वर्क करता है एंड इससे आपके पोर्स ब्लर हो जाते हैं देन मैं लगा रही हूँ ब्लू हेवन का कंसीलर इन द शेड जीरो थ्री हनी एंड उसके बाद मैं इसे अच्छे से हाईलाइट करते हुए अपने आईब्रोज को हाईलाइट करते हुए अप्लाई कर लूँगी एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी ये पर्टिकुलर जो कंसीलर है वो ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है तो मिक्सर क्या बोलते हैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करो उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ पर्पल का कॉम्पैक्ट एंड विद एसपीफ इसे मैं अच्छे से सेट से कर लूँगी अपने कंसीलर को अब हम करेंगे अपना आई मेकअप तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये एस एफ आर का हेटेड विथ लव आई शेडो पैलेट इसमें से ये ब्राउन शेड लेके हमको बहुत ही लाइट शेड लेना है इवन बहुत ही ज़्यादा तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा पिक कर लेता जो डैप डैप कर लेंगे और थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे एंड ब्लेंड कर लेंगे एंड डैट सेट बस इन्हैंस होना चाहिए एंड डैट सेट उसके बाद मैं एंगुलर ब्रश ले रही हूँ और उसे सेटिंग स्प्रे से या फिर गुड फाइफ के टोनर से मैंने इसे वेट कर लिया है एंड येलो शेड लेके अप्लाई कर लिया है बहुत अच्छे से उसके बाद मैं आईलाइनर लगा रही हूँ और आईलाइनर हमें ऐसे लगाना है कि जैसे पता ना चले लाइक नो आईलाइनर लाइनर लुक ऐसा कुछ है ना उसके बाद मैं काजल लगा रही हूँ ये एलेटिन का काजल है एंड दैट्स इट और लोअर लैश लाइन के नीचे मैं ब्राउन शेड लगा लूँगी और मस्कारा लगा के अपना आई मेकअप कम्प्लीट करूँगी तो ये मस्कारा है एन की तरफ से लेंथनिंग मस्कारा है और अच्छा मस्कारा है काफ़ी अब अगर आप चाहते हो ट्राई करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ट्राई कर सकते हो उसके बाद मैं अप्लाई करी इनसाइड का फाउंडेशन एंड इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी बहुत ही इजी मतलब इजी पीजी सा मेकअप है एवरीवन कैन रिक्रिएट दिस एंड इसे मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी और मेक श्योर sure कि आप इसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करें बिकॉज जो स्पंज होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर लेता है वैसे ही मैंने यहाँ पे बहुत कम लगाया है फाउंडेशन और बाकी जो बचा था वो भी ब्यूटी ब्लेंडर ने एबजॉर्ब कर लिया सो so, अब ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करना उसके बाद मैं कंसीलर लगा रही हूँ अगेन अपने डार्क स्पॉट्स वगैरह पे या फिर पिम्पल के पैचे जो वगैरह रह जाते हैं वहाँ वहाँ पर हम कंसीलर लगा लेंगे एंड इसे हम मैजिक से ब्लेंड कर लेंगे एंड दैट्स इट तो so आप देख सकते हो अब मैं इसे सेट करूँगी विद द हेल्प ऑफ सेम कॉम्पैक्ट दैट इज़ पर्पल का कॉम्पैक्ट और ब्रश की हेल्प से सेट कर लूँगी एंड हमारा बेस कंप्लीट है अब मैं ब्लश और हाइलाइटर लगाऊंगी तो ब्लश मैंने लगाया है ये पीचिश काइंड ऑफ शेड है सो इस ब्यूटी के हाइलाइटर में ब्लश में वो लगाया मैंने एंड उसके बाद हाइलाइटर मैं लगा रही हूँ फिंगर की हेल्प से नोज चिक बोन्स एंड जहाँ जहाँ लगाते हैं वहाँ वहाँ बेसिकली एंड हमारा यहाँ हाइलाइटर ब्लश भी कंप्लीट है अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक तो ये है ब्लू हेवन के लिपस्टिक इन द शेड चॉकलेट प्रिंजल एंड सेट सेटिंग पर लगाना हो लगा लेना उसके बाद मैं लगा रही हूँ आई लाइनर से बिंदी एंड सेटानी ये था आज का मेकअप लुक आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब इसके सब आजमन जो आइकन है उसे जरूर हिट करना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेकआउट करना मिलती हूँ कल बाय